नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। दिल्ली में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी है और अब की बार नक्सलियों की बारी है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा में हुए नक्सल हमले में ने प्रधानमंत्री मोदी को आग बबूला कर दिया है। 26 CRPF जवानों की शहादत ने PM मोदी को पहली बार अपने ही देश के भीतर वो एक्सट्रीम स्ट्रैप उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसे दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है। दरअसल देश अब तक कई बार भीषण नक्सली हमले झेल चुका है। कुछ हमलों ने तो पूरे देश को ही हिला के रख दिया था, लेकिन फिर भी अभी तक नक्सलियों के खिलाफ कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जिससे नक्सली अपनी करतूतों को अंजाम देने से पहले डरे। लेकिन अब ये स्थिति बदलने जा रही है। PM मोदी ने लाल आतंक के जड़ से खात्मे का मन बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और जब भी उन्होंने कार्रवाई की बात की है, वह बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है। सोमवार को हुए नक्सली हमले के बाद PM मोदी ने ट्विटर कर कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं होगी।